यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, हम क्या करें? चल बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर! 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 हाँ बच्चों, बालवीर यह भूत है। भूत? कहाँ है भूत? यहाँ तो कोई नहीं है, और अगर यहाँ कोई बुरी शक्ति होती तो मुझे उसका आभास जरूर होता। तो फिर मानव और मेहर ने बालवीर क्या सोच रहे हो? सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, इन पिक्चर को डराने का प्लान कैंसिल कर दो, क्योंकि मोंटू बस लास्ट टाइम हम डराने गए थे तो हमारी बैंड बज गई थी और बाद में ढोल भी बज गया। अब सुन, ऐसा कुछ नहीं हो, समझा? डर के आगे पिक्चरों की चीख है। अब तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू बस देखते जाओ इन पिक्चरों की कैसे पुंगी बजाता हूँ, और हाँ जैसा मैं करूंगा तू वैसा ही करेगा, समझ रहा है? हाँ। तू मुझे कॉपी करेगा, मतलब जैसा मैं करूंगा तू वैसा ही करेगा, समझा? हाँ। चल। हाँ। बॉस, I will follow you after you. बच्चों, बालवीर ने खुद आके मुझे बताया है कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, क्योंकि भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। और इसके बावजूद भी तुम्हें डर लगता है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे दादाजी है ना, मेरे मसल्स देखो, मसल्स, भूत को ऐसे मसल कर रख दूंगा। कॉकरोच, कॉकरोच, काय कॉकरोच, काय, काय कॉकरोच, काय, काय कॉकरोच, कॉकरोच से घबरा गए और भूत को मसलने चले थे। अरे कोई कॉकरोच बॉकरोच नहीं है, गेट डाउन। अरे कस्तूरी, गेट गाउन नहीं, गेट डाउन, वही सेम टू सेम।
क्या हर चीज में सेम टू सेम। ये लीजिए, पी लीजिए। नहीं, दवाई तो सुबह पी रहे मैंने। ये दवाई नहीं है, ये चाय है। चाय गर्मा गर्म मसालेदार चाय। चाय 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 कस्तूरी, तुम्हारा भी कमाल है। दवाई कप में पिलाती हो और चाय चम्मच में। बजट खर्चा कम करना है ना, तो महेश ने कहा है कि इतनी चाय मिलेगी। पीनी है तो पीजिए, नहीं तो मैं तो चल रही। कस्तूरी लाओ 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 लाओ, पीने दो। मस्त है, गर्मा गर्म। भागते भूत की लंगोटी बली है। तुमने तो बोला भागता हुआ भूत। अरे बेटा, वो कहावत है, भागते भूत की लंगोटी बली। इतनी सिंचाई मिली थी, वो भी गिर गई। सॉरी दादाजी, आप रहने दीजिए, मैं उठा देता हूँ। अच्छा। भूत, 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 भूत। कहाँ है भूत? उसने मेरा हाथ पकड़ के रखा है। बेटा कोई भी तो नहीं है। अरे तू भाई डाला हाथ कहाँ गया? अरे नहीं, वो भूत ने मेरा हाथ पकड़ के रखा था। अरे बेटा, भूत ने नहीं, वहम ने तेरा हाथ पकड़ के रखा है। चाय गिरा दी। कस्तूरी, थोड़ी सी चाय मिलेगी? कोशिश करूंगी। आइए ला। तू ठीक तो है ना? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। रानी परी, मैं स्वचित्र यंत्र की मदद से मानव महर का मनोरंजन करना चाहता था, लेकिन भूत के डर से मानव महर इतने डरे हुए थे कि मैं उन्हें स्वचित्र यंत्र के बारे में बता ही नहीं पाया। वैसे रानी परी, क्या भूत सच में होते हैं? पता नहीं बालवीर। बालवीर, हमने भूतों के बारे में सुना जरूर है, लेकिन हमने उन्हें कभी देखा नहीं। और हो सकता है बालवीर, भूतों की अपनी कोई अलग दुनिया हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है रानी परी कि मानव महल के घर में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और ना ही किसी बुरी शक्ति का आभास हुआ। वो इसलिए बालवीर, क्योंकि हमारे पास भूतों को देखने, परखने या उनसे लड़ने की शक्तियां नहीं है। शायद इसलिए आपको उसका आभास नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर? ये सच, क्योंकि परियों का भूतों से कभी आमना सामना ही नहीं हुआ और इसीलिए हमने ऐसी शक्तियां विकसित नहीं की। इसका मतलब ये है बालवीर कि अगर कोई भूत हमारे सामने आ भी गया तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, हमारे जादू का भी उन पर असर नहीं होगा। तो ये तो बहुत चिंता की बात है रानी परी, क्योंकि अगर भूतों का अस्तित्व है तो मानव महर और उनका परिवार खतरे में है। मानव, कोई हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहा कि इस घर में भूत है। क्या करें, कैसे समझाएं कि हम सच कह रहे हैं? छोड़ दिया, पर कैसे? प्लीज नैना, हमें बताओ कि सब क्या हो रहा है।
तुम उसे जानती हो? हाँ? चुप क्यों हो? प्लीज बोलो। बालवीर, तभी तो नैना ने कहा कि छोड़ो, इसलिए उस भूत ने छोड़ दिया। पर अगली बार क्या होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बालवीर, प्लीज कुछ करो ना। हाँ बालवीर, कुछ भी करो, कोई भी जादू करो, लेकिन वो भूत को हमारे घर से भगा दो। प्लीज बालवीर, प्लीज। मैं क्या करूँ? अगर सच में भूत होते हैं तो मेरा जादू उन पर नहीं चलेगा, लेकिन ये बात अगर मैं ही नहीं बताऊंगा तो ये और भी डर जाएंगे। और इसलिए जब तक भूतों का कोई उपाय नहीं मिल जाता, मुझे इनका ध्यान बटाना होगा। देखो मानो महर, तुम दोनों भूत से बिल्कुल भी मत डरो। अगर भूत आया तो मैं उसे देख लूंगा, ठीक है? लेकिन वो सब भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आया हूँ, देखना चाहोगे? मानो महर, ये स्वचित्र यंत्र है। इससे हम खुद की तस्वीर खींच सकते हैं, और हाँ, उस तस्वीर में हम बहुत अलग नजर आएंगे। कैसे? अब चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो। पीछे तो कुछ परी महल जैसा लग रहा है, और हमारे कपड़े बिल्कुल प्रिंस और प्रिंसेस जैसे हो गए हैं। लो, अब तुम दोनों अपनी तस्वीर लो। इससे नॉर्मल कपड़ों में नॉर्मल फोटो ले सकते हैं, हमें अपने दोस्तों को भी दिखाना है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देखो, तुम दोनों को भूत से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। अरे जब बालवीर है तुम्हारे साथ तो डरने की क्या बात। चलो एक और तस्वीर खींचते हैं। ले बेटा, खा, पेट भर के खा। हाँ खा, 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 खा। वन टू थ्री फोर फाइव। बाबूजी, हाँ
बाद में ये चूरी कट्टे से खाऊंगा। बेटा क्या कर रहा है, छुरी काटे से जलेबी नहीं खाई जाती, ये इंडियन विश है। विश? विश नहीं माँ, डिश। हाँ वही, सेम टू सेम, विश। वो चाहे जो भी हो, आज मैं छुरी काटे से खाऊंगा। एक बार फिर से। रॉकी, हाथ से खा। महेश, बच्चा है वो, कुछ जैसे खाना है वैसे खाने दो। बेटा, बड़ी वाली ट्राई कर। हाँ, ये बड़ी वाली। बड़ी वाली? क्या बड़ी वाली ट्राई कर? बापूजी वो तो खा ही नहीं पा रहा है, सारी जलेबियां उड़ के आपके मुंह में जा रही है। बापूजी, मिठाई खाने का 10 दिन का कोटा आपने 1 दिन में खत्म कर दिया है। बापूजी ऐसे चलता रहा तो बजट बैलेंसिंग कैसे होगा मां? रॉकी हाथ से खा, नहीं तो मैं जलेबी ले लूंगा। दूध का मग? ये नैना की मम्मी अभी तक आई नहीं इसे लेने। अरे नैना की मम्मी का फोन था, वो बेचारी बहुत परेशान है, कह रही थी कि नैना के पापा का अभी तक कुछ पता नहीं है, तो वो कह रही थी कि 2-3 दिन के लिए नैना को यहीं रख ले। 2-3 दिन? इसका मतलब है? अब मतलब कुछ नहीं, नैना बेटा तू यहाँ ही रहे, हा? इसे तुम्हारा ही माउस समझ। माउस? माउस नहीं, हाउस। हाँ वही, सेम टू सेम, माउस। सेम है ये। तू खा बेटा, बहुत टाइम से आई नहीं। आ? मतलब खाई नहीं, खा। हाँ, हाँ, हाँ। फिर से चिपक गई है, और उसके साथ साथ वो भूत भी, और ऊपर से घर वाले भी हमारे बात का यकीन नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करें? तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं सबको भूत दिखाऊंगी, फिर उन्हें हमारी बातों पर यकीन करना ही होगा कि यहाँ भूत है। लेकिन कैसे? ऐसे ये देख, मैंने सबके मोबाइल फोन और ये कैमरा लिया है। लेकिन इससे क्या होगा? भूत स्टिंग ऑपरेशन। देख, हम ये मोबाइल फोन्स और ये कैमरा हर रूम में लगा देंगे, फिर इन फोन का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, फिर वो रिकॉर्डिंग हम मम्मी पापा दादा दादी और बालवीर को दिखाएंगे, फिर तो उन्हें हमारी बातों पर यकीन करना ही होगा कि यहाँ भूत है। गुड आइडिया मेहर, चल अभी सारी फोन लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ एक मिनट। जाओ।
सो जाते हैं, सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरा वाली बात अभी नैना को नहीं बतानी है, कहीं उस भूत को पता चल गया तो वो सारे कैमरा तोड़ देगा। सुबह सबके सामने हम ये रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। चल सो जा। देखो सब लोग आ गए, अब वो मुझे भूत देखना है, भूत। अब मैंने कभी भूत नहीं देखा है ना, इसलिए मजा आएगा। रॉकी कुछ मजा नहीं आएगा, अगर सच में भूत होगा ना तो मेरा तो पार्टी फेल हो जाएगा। हार्ट फेल नहीं माँ, हार्ट फेल। वही सेम टू सेम। सी बहर, अब दिखा जो दिखाने वाली है वो दिखा। हाँ अब देखना, खुल गया। अरे बेटा वो तो तेज हवा से खुल गया होगा। पर दादाजी आप आगे तो देखिए। कहाँ है भूत, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा हाँ, मेकअप करने गया होगा। एक मिनट, हॉल का रिकॉर्डिंग चेक करते हैं। हाँ। हॉल का। हाँ, देख। हाँ, देखो। एक मिनट। तो
अरे ये हॉरर फिल्म तो शुरू ही नहीं हो रही है। अरे मेहर ये कैसे हो गया, एक भी वीडियो में भूत नहीं दिखा। मानव भूत होगा तब दिखेगा ना। अब ये मॉर्निंग शो बंद करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। चलो चलो भाई, चलो, चलो, चलो मेरी पूजा। चलो बेटा, कुछ दिखा ही नहीं, फ्लॉप हो गया मॉर्निंग। दिखना तो चाहिए कुछ, नहीं था। ये वीडियो बनाकर तुम लोग ने अच्छा नहीं किया, उसको बहुत गुस्सा आया होगा, उसने वीडियो खराब किया होगा। अब पता नहीं वो क्या करेगा। मानव, 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 मानव! क्या मोंटू बॉस, आप भी, आपकी इतनी पिटाई हुई कि गले का पट्टा भी पहनना पड़ा, फिर भी आपके मन से उन पिद्दियों को डराने का भूत उतर ही नहीं रहे। बैठो। नहीं, मोंटू का ग्रेटेस्ट लखानी ने कसम खाई है कि जब तक मैं उन पिद्दियों को डराऊंगा नहीं तब तक मैं बैठूंगा नहीं, है ना? हमने ना मोंटू को क्लब हाउस में बहुत मारा। सा, तू मुझे ये बता, आज मानव क्यों नहीं आया? मानव एक्चुअली उसकी तबीयत खराब है, डर के मारे उसे बुखार आ गया। पिद्दियो, अब बीमार तो तुम लोग पड़ोगे, क्योंकि मॉन्टू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम्हें डराने वाला है। तुम कभी नहीं सुधरोगे मॉन्टू। हे भटकाती परी, जो जैसा करे वैसा भरे, डराने वाला खुद डरे। मैंने तुझे कहा था ना वो क्लब हाउस। मोंटू, तू फिर हमें डराने के लिए, लेकिन अब हम तुझसे डरने नहीं वाले। आ, डरा हमें, डराना। अरे डराता क्यों नहीं, डराना, डरा। देख मोंटू, निकल यहां से वरना पीट दूंगी। खुद भूत की ड्रेस पहनता है और खुद ही डर जाता है। चल क्लासरूम में चलते। माना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं, काढ़ा या कुछ पियोगे? नहीं। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। माँ, बुखार थोड़ा कम तो हुआ है। तू चिंता मत कर बेटा, देखना दो दिन में तो ये दौड़ने लगेगा। और कुछ नहीं है, सिर्फ इसके मन में ना भूत का डर बैठ गया है। चलो। हाँ मानव, अगर कुछ चाहिए तो बुला लेना। हाँ
पीछे पड़े हुए हो। बालवीर, इन तस्वीरों में तो मानव मेहर बहुत खुश लग रहे, लेकिन आपने तो कहा था कि वो बहुत ही डरे हुए थे। आगे देखिए भटका दी परी। रानी परी, माँ परियो, यही है वो क्षण। ध्यान से देखिए, मानो मेहर ने इसी समय मुझे बताया कि मेरे पीछे भूत है, लेकिन लेकिन वहां कोई नहीं था। बालवीर, बालवीर, इस तस्वीर को जरा बड़ा कीजिए। हाँ मां। रानी परी, वो देखिए, ये देखिए, बालवीर आप भी देखिए, और से देखिए, रानी परी वहां देखिए, बालवीर और बच्चों के बीच में वहां पीछे एक परछाई नजर आ रही है। परछाई? हाँ बाल परी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम उस परछाई को अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ बालवीर कि मानव मेहर और आपके अलावा उस कमरे में कोई अदृश्य शक्ति भी थी। इसका मतलब मानव सही कह रहा था, उनके घर में भूत है। बल्कि बल्कि वो भूत मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन परिलोक का स्वचित्र यंत्र होने के कारण इसमें वो दिखाई दे रहा है। बालवीर, भूत होने का प्रमाण तो मिल गया है, लेकिन रानी परी अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो भूतों को भगाने की कोई शक्तियां भी नहीं है। परियो, बालवीर, जब कोई गंभीर प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का उत्तर अवश्य होता है, और हमें भी हमारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। लेकिन कैसे रानी परी? बालवीर, हम तुरंत माँ परी से मिलेंगे, और हमें पूरा भरोसा है कि माँ परी के पास भूतों का सामना करने का उपाय जरूर होगा। लेकिन बालवीर, जब तक हमें उपाय मिल नहीं जाता, आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा और पृथ्वी लोक के बच्चों की सुरक्षा करनी होगी, उनका ख्याल रखना होगा। बालवीर जी, रानी परी, मैं हमेशा बच्चों के आसपास ही रहूंगा। इनको मारते मारते मेरे हाथ कांपने लग गए, लेकिन इनका कांपना बंद नहीं हुआ। आइडिया, लंच बॉक्स में सैंडविचेस पड़े, लाके सूंघा देता हूँ, शायद होश में आ जाए। इधर ही रुकना, कहीं जाना मत। काश मैं ही खा लेता। मेरे कहने का मतलब है मोंटू बॉस, आपको हो क्या गया था?
आप इतना डर क्यों गए थे? अरे वहां पे ना मेहर और सलोनी नहीं थे पर जो स्केलेटन थे, तो डर तो लगेगा ही ना रोहित। मैं ना मेहर और सलोनी से 10 फीट दूर ही रहूंगा। ए डरपोक चूहे, दो लड़कियों से डर गया? मेरे कहने का मतलब है मोंटू बॉस, ऐसा मैंने पूरी स्कूल कहेगी आपको। पूरी स्कूल को पता चलेगा कि मेहर और सलोनी ने मोंटू द ग्रेटेस्ट गेंडा नहीं मतलब लखानी को डरा दिया, आपकी तो इज्जत का फायदा हो जाएगा बॉस। तो सही बोल रहा है रोहित, और मेहर और सलोनी के पास ना मैजिकल पावर्स है। काके मैजिकल पावर्स मोंटू बॉस? अरे लेके आए होंगे लैब से दो स्केलेटन और खड़े कर दिए होंगे आपके सामने और आप डर गए। मेरे कहने का मतलब है मोंटू बॉस, भूतू करेगी पूरी स्कूल आप पे। अगर ये बात है ना रोहित, तो मैं मेहर और सलोनी को छोड़ूंगा नहीं। चल। ओह माय गॉड, मतलब तूने और मानव ने सच में भूत देखा? मैं इसी वजह से मानव बीमार है? हाँ। अच्छा, तो तुमने ये बात बालवीर को बताई? हाँ, बताई। लेकिन बालवीर और घर वालों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं है। पर सलोनी, ये बात तो सच है कि हमारे घर में भूत है। इसलिए खुद के घर में जाने में भी बहुत डर लग रहा है। थैंक यू मेहर, तूने खुद ही मुझे आइडिया दे दिया। अब मानव के साथ तू भी बहुत ही जल्द बीमार पड़ने वाली है। मानव, अरे अरे डर क्यों रहा है? तुझे पता है आज स्कूल में बहुत मजा है, वो मोंटू का बच्चा हमें डराने के लिए आया था, लेकिन उसकी खुद की बैंड बच गई, है ना बल्लू लल्लू? अब मैं और सलोनी सब हंस-हंस के पागल हो गए, सच्ची। और मैं डर के पागल हो गया हूँ। पता है वो भूत फिर से कमरे में आया था और वो मुझे पता कर गया कि वो मुझे लेने जरूर आएगा। बस माना, उसके बारे में सोच ही मत। मैं और बल्लू है ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा। चल आराम से सो जा। हा? अगर इस भूत ने बच्चों पे हमला किया तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा? अब तो बस एक ही उम्मीद है कि रानी परी को भूत भगाने का उपाय जल्द से जल्द मिल जाए। कुछ नहीं होगा, वो बहुत गुस्से में है, अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा।
मानो मैं अब मैं तुम्हारे ही घर में तुम्हें डराऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें डराने वाला भूत नहीं मोंटू था। शायद हवा से बंद हो गया होगा। कौन है? कौन है वहां? कि मैं सच तो नहीं बोल रही थी? उस घर में भूत तो नहीं है ना? क्या आवाज आ रही है? कौन आया है इतनी रात? कौन कौन है? माँ कौन है? माँ मा? क्या हुआ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? वही हमारे घर में चोर तो नहीं घुसाया ना? चोर हा? चोर भाई, चोर होगा तो अभी भाग जाएगा। सुनिए भाई, चोर भाई साहब सुनिए, कोई अगर चोरी करने आया तो सुनिए भाई, हमारे बच्चों से मिली सूचना के आधार पर मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे घर में एक भूत है। अगर आप यहां हमारे घर में चोरी करने के इरादे से यहां घुसे हैं तो तत्काल अभी के अभी घर के बाहर चले जाइए, वरना वो भूत आपको आ जाएगा। टिंग टोंग। ए महेश बेटा, तू चोर को भगा रहा है या रेलवे की अनाउंसमेंट कर रहा है? अरे मैं तो कहती हूँ कोई नहीं है, चलिए सो जाते हैं। ठीक है, चलो चलिए चलिए, आवाज कुछ आवाज आई, चलो चलो लगा होगा कुछ है नहीं। मुझे चौकन्ना रहना होगा, लगता है वो अदृश्य शक्ति कोई खेल खेल रही है। शायद मेहर के पापा सही कह रहे हैं, इस घर में जरूर भूत है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। भाग मोंटू भाग। बचाओ बचाओ! अरे वापस ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन चिल्ला रही है? महेश, तूने उस चोर को इतना डरा दिया कि आपको बचाओ बचाओ बोल रहा है। माँ मैन, अरे लेकिन ये चोर की आवाज आ कहाँ से रही है? हाँ कहाँ है महेश? स्टोर रूम से। क्या स्टोर रूम में? आइए बाबू जी, आइए आइए। कौन है अभी? संभाल क्या बेटा, संभाल के। मेरे से बहू पूछ के कैसे ने यहाँ क्यों आया है?
और मोंटू तूने ये भूत की परफ्यूम क्यों पहन के रखी है? परफ्यूम नहीं माँ, कॉस्ट्यूम। वही सेम टू सेम, बता परफ्यूम क्यों पहन के रखी है? अरे वो मैं मानव मेहर को डराने आया था। देखा ये मोंटू था जो आप लोगों को डरा रहा था और आप लोग डर रहे थे। मोंटू आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, पी दूंगी। चलो बच्चों, आप लोगों को हो गई तसल्ली कि हमारे घर में भूत नहीं है और मोंटू आप लोगों को डरा रहा था। चलो अब सो जाओ, चलो सब लोग शांति से सो जाओ। चलो भैया नीता। अगर ये सब मोंटू का किया कराया होता तो स्वचित्र यंत्र में परछाई नहीं दिखती, क्योंकि तब तो मोंटू घर पर था ही नहीं। मतलब जरूर यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। महर, मोंटू तो खुद डरा हुआ है क्योंकि उसने भी उसको देखा होगा। किसको? उसी को जिसको तुमने देखा था, असली भूत। चलो सो जाते हैं, है ना? चलो सो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच स्मिता जी, आपने नैना का ख्याल बहुत अच्छे से रखा। ये तो मेरा फर्ज था। वैसे नैना के पापा का कुछ पता चला? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस खोज कर रही है, आई होप वो मिल जाए। हाँ हाँ बेटा, तुम जरा भी चिंता मत करो और भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मिल जाएगा। थैंक यू आंटी। स्मिता जी ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच। महर, मानव इस घर में आए थे हम दो लोग, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अकेली। दो लोग? दूसरा कौन है? वही जिससे तुम डर रहे हो, और उसने डिसाइड किया है कि अब वो यहीं रहेगा। सॉरी पर अब तुम उससे बच नहीं पाओगे। उसने जो मेरे पापा का हाल किया है अब वो तुम्हारा होने वाला है। तुम्हारे पापा है ना? क्या किया है उसने तुम्हारे पापा के साथ? गायब कर दिया। क्योंकि मेरे पापा ने उसको गुस्सा दिलाया। नैना बेटा चलो आ जाओ, चले बल्लू। महर तुम लोग स्कूल जाने के लिए रेडी हो ना? हाँ माँ हम रेडी है। मानव टेंशन मत लेना, और हाँ भूत के बारे में बिल्कुल मत सोचना, आराम करना और उस नैना को भूल जाना। बाय बाय बेटा, संभाल कर जाना। अरे स्मिता मैं भी चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने में बहुत देर हो रही है। चलो सुनिए, ऑफिस जाते जाते ये पैसे बैंक में भर दीजिए प्लीज। अरे मुझे देर हो रही है स्मिता। लाओ मैं भर दूंगा बैंक में। ठीक है सुन, मुझे साथ में लेके जा बैंक में, छोड़ देना। क्या बात? चलो मैं भी मंदिर जाकर आ। अब माँ मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे मार्केट जाना है। हाँ चल। माँ मुझे घर में अकेले बहुत डर लग रहा है, कहीं वो भूत फिर से आ गया तो। मानव बेटा भर कोई भूत भूत नहीं है, कल देखा ना मोंटू ही भूत बनकर आया था तुम्हें परेशान करने के लिए। तुम यहाँ पे आराम करो, मैं जल्दी से जाकर आती हूँ।
अभी मुझे किसी भूत ने मारा। अरे मोंटू बॉस, कोई भूत भूत नहीं था, वो मैं था जो आपको शाबाशी दे रहा था। शाबाशी किस लिए? अरे मोंटू बॉस, वो क्या है ना, अभी आप जा रहे हो ना मानव महर की बैंड बजाने के लिए, इसलिए मैं आपको एडवांस में शाबाशी दे रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं मानव महर के आसपास भटकूंगा भी नहीं। उनके घर में सच्ची में कोई भूत है, वो ना मुझे ऐसे हो रहा था। अरे कोई भूत भूत नहीं था बॉस, वो तो मानव महर ने आपको उल्लू बनाया था, उल्लू। और ये बात मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ। प्रूफ कैसे? सिंपल है मोंटू बॉस, देखो अगर मानव महर ने आपको नकली भूत से डराया होगा तो अब तक उन दोनों ने ये बात पूरे स्कूल को बता दी होगी। हाँ। और जैसे ही सब बच्चे आपको देखेंगे आपके पीठ के पीछे हंसेंगे। अगर ऐसा है ना रोहित, तो मानव महर अब तुम्हारी खैर नहीं। चलो मोंटू बॉस, देखते हैं बच्चे आपके पीठ के पीछे हंसते हैं या नहीं। ठीक है चल। कोई भूत भूत नहीं होता और मैं भी नहीं डरूंगा। हाँ कौन है, कौन है? देखा बॉस, भागो! देखा बॉस, देखा कैसे सब बच्चे हंस रहे थे आपके पीछे। अब तो प्रूफ हो गया ना कि मानव महर ने आपको उल्लू बनाया, उल्लू। देखो बॉस, पूरे स्कूल के सामने आपकी इज्जत का फालूदा कर दिया मानव महर ने। तू सही कह रहा है रोहित। मानो मैं और तुम दोनों गए काम से। कौन हो तुम? बाहर निकलो। देखो मैं जानता हूँ तुम्हें मोंटू ने भेजा है ना, चलो अभी बाहर निकलो। रे कहाँ गया? मानो को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मानो बहुत डरा हुआ था, मुझे मानो को ढूंढना होगा। मानो, 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 ये मानो कहाँ चला गया? मुझे मानो को ढूंढना होगा। मानो Thank you.
कहाँ चला गया? ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो कोई खुफिया रास्ता लगता है। आवाज तो यहीं से आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। आखिर मानव गया कहाँ? ये मैं कहाँ गया? खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। मानव, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तो ले आया। तुम भूत लोक में हो। भूत? सही पहचाना, भूत। नहीं नहीं, आगे मत बढ़ो, वहीं पे रुक जाओ, प्लीज आगे मत बढ़ो। आपको तो मैंने कहीं पे देखा है। उसने जो मेरे पापा का हाल किया है अब वो तुम्हारा होने वाला है। याद आया, नैना के लॉकर में आपकी फोटो थी, यानी कि आप नैना के पापा हैं, है ना? जो गायब हो गए थे। गायब नहीं हुआ था, बल्कि यही भूत बच्चा मुझे लेकर यहाँ आया था, जो अब तुम्हें लेकर आया। लेकिन अंकल, क्या मैं यहाँ क्यों लेकर आया? आखिर चाहता क्या है हमसे? इसका जवाब तुम्हें भूत लोक के राजा भूत भुजंग देंगे। तुम्हें तो यहां आना ही था बच्चे, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी ये भूत की सेना आजाद नहीं हो सकती।
भूत सेना? हाँ, भूत सेना। ये तस्वीरें देख रहे हो? ये देखो, इन तस्वीरों में कैद है मेरी भूत सेना। हमें आजाद कर दो, हमें आजाद कर दो। निकालो हमें, बाहर निकालो। हमें आजाद करो। सदियों पहले एक तांत्रिक ने मेरी इस सेना को इन तस्वीरों में कैद कर दिया था, लेकिन अब मेरी इस भूत सेना की आजादी का दिन आ गया है। वो देखो, अमावस्या की रात। आज रात 12 बजे तुम मेरी सेना को आजाद करवाओगे बच्चे। हमें आजाद कर दो, हमें आजाद कर दो। हमारी जादुई किताब से मंत्र को पढ़कर अब हम आजाद हो जाएंगे। फिर हम सब शक्तिशाली हो जाएंगे और फिर हम पृथ्वी लोक पर आक्रमण करेंगे। आक्रमण, हम आजाद होंगे। हम आजाद होंगे, हम आजाद होंगे, हम आजाद होंगे, हम आजाद होंगे, हम आजाद होंगे। नष्ट हो जाएगा तुम्हारा पृथ्वी लोक। इस पृथ्वी लोक पर राज होगा तो सिर्फ और सिर्फ भूतों का राजा भुजंग का राज। ये मानव तो घर में भी नहीं है। पता नहीं मानव कहाँ चला गया। मुझे मानव की चिंता हो रही है, वो अदृश्य शक्ति मानव को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मेहर, हाँ मेहर से पूछता, अगर मानव यहाँ आया होगा तो मेहर को जरूर पता होगा। रोहित, अब बस तू देखते जा, मैं मेहर को कैसे डराता हूँ। पर मोंटू बॉस, आप इस कैरेक्टर को ऐसे ही मेहर के सामने लेके जाओगे तो सबको पता चल जाएगा, फिर आपकी पिटाई होगी। हाँ। बेवकूफ, मैं इस कैरेक्टर को लेके नहीं जाऊंगा बल्कि मेहर को स्केयरक्रो के पास लेके आऊंगा कुछ बहाना बनाकर, और फिर उसे इस क्लासरूम में स्केयरक्रो के साथ बंद कर दूंगा और फिर वो डरेगी और उसकी बैंड बजेगी। ये मौन तो ऐसे नहीं सुधरेगा, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हे भटका दी परी, मौन तो करना चाहता है मेहर को परेशान, सबक सिखाने के लिए उसे आ जाए इस काक बजुका में जान। रोहित, इसके अंदर जान कहां से आ गई? लगता है मैं पतली गली पकड़ के भागना पड़ेगा। मोंटू बॉस, पतली गली से मैं तो निकल जाऊंगा, लेकिन आपके गेंडे जैसे शरीर कैसे निकलेगा? भागो। देखिए, हम अच्छे बच्चे बच्चे थोड़े आइए। आज के बाद किसी को नहीं डराऊंगा। ये बकवास आइडिया तेरा ही था ना? हाँ? नहीं, तेरा नहीं था, ऐसे बकवास आइडिया था तेरी तो। अरे मोंटू बॉस, ये मेरा नहीं, ये आपकी का आइडिया था। मेरा था क्या? छोड़, जान दे, चलते चल।
भटका दी परी, मोंटू हो गया है अब बहुत परेशान, हो जाए काक बजुका फिर से भेजा। देखो मुझे कोई मंत्र मंत्र पढ़ना नहीं आता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारे भूत सेना को आजाद नहीं करवा पाऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। कभी नहीं, एक गलती मैं कर चुका हूँ, अब दूसरी गलती नहीं कर सकता। गलती? कैसी गलती? पहले मैंने नैना को चुना था भूत सेना को आजाद करवाने के लिए, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाया और वो तुम्हारे घर आ गई, और वहाँ तुम और तुम्हारी प्यारी बहन मेहर दोनों भी मेरे नजर में आ गई, और फिर मैंने तुम दोनों को यहाँ लाने का प्रयास किया। और देखो मैं तुम्हें यहाँ ले आया, अब तो भूत सेना आजाद होकर रहेगी। हम आजाद हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, अब हम आजाद हो जाएंगे, 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 आजाद हो जाएंगे, हम आजाद हो गए, आजाद हो जाएंगे, आजाद हो गए। वैसे तुमने नैना के पापा को क्यों किडनैप किया है? क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि उस अलमारी में कुछ गड़बड़ है, और वो अलमारी तोड़ने वाले थे, अगर अलमारी टूट जाती तो भूतों का पृथ्वी लोक पर आने का एकमात्र रास्ता बंद हो जाता और भूत सेना कभी आजाद नहीं हो पाती, इसलिए मैंने इन्हें पकड़ लिया और फिर तुम्हारे दादाजी वो अलमारी ले आए, और इस तरह तुम मेरे हाथ लग गए। देखो तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं बालवीर को बुलाऊंगा और फिर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बुलाओ, चीख चीख कर बुलाओ, तुम्हारा गला सूख जाएगा पर तुम्हारी आवाज यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगी। आजाद हो जाएंगे, हम आजाद हो गए, 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 हम आजाद हो गए।